दोस्तों आज हम आपको लेकर आ चुके हैं जॉनी हॉट डॉग पे, जो कि खुद विजय अंकल हमें बताएंगे यहाँ पर टिक्की का क्या है राज, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है यहाँ पर टिक्की का राज। तो अंकल किस तरीके से आप बनाते हैं आपके वहाँ की जॉनी हॉट डॉग, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है? ये सब जैसे ये आप देख रहे हैं आलू भाई है जी, और इसको हमने क्या है थोड़ा सा मेल्ट कर दिया जी, है ना। अब इसमें हम जो है ये नमक है, इसमें मसाला मिला दिया हमने, गरम मसाला थोड़ा सा, ये हम जैसे इसको अंदाज से डाल लेते हैं जी, है ना। और ये लाल मिर्ची पाउडर है। अब ये थोड़ा सा एक महक के लिए जो है हरा धनिया डालते हैं जी, कि थोड़ी सी महक आ जाए इसमें, है ना, ये थोड़ी सी महक आ जाती है। और इसको ये है चने की दाल पिसी हुई है सर जी, इसको बाइंडिंग के लिए, क्योंकि चिपकेगा नहीं तो। चने की दाल मतलब बेसन है ही, बेसन है, तो इसको जो है हम जो इसको थोड़ा सा डालते हैं मामूली, ज्यादा डालेंगे तो बहुत हार्डनेस आ जाएगी, फिर वो ठीक नहीं रहेगा, सीखेगी नहीं। और ये धीरे से हम लोग क्या है इसको मिला लेंगे, ये ऐसा ऐसा हमने मिला लिया, इसको सब मिल जाता है हल्के हल्के हाथों से। ये आलू जो है बाइल्ड है और इसको हमने थोड़ा सा कर दिया। अब जो है हम बहुत सरल है वैसे तो, बहुत सरल है, लेकिन हमको ये चीज ध्यान रखना है कि आलू फ्रेश उबाले हम, क्योंकि आलू ज्यादा देर रखा हुआ बाइल्ड जो आलू है वो खराब हो जाता है ना। और अब ये हम जो है इसको इस प्रकार से टिक्की बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे हाथों में चिपके नहीं तो जैसे आई का हाथ मार देता है थोड़ा सा हल्का सा, तो ये टिक्की बनना लगी होगी। अब इसको हम फिर इसके बाद में फ्राई कर लेते हैं हम। तो कल कितनी टिक्की बना देते हैं आप पूरे दिन में? 500-600 बना लेते हैं हम। 500-600 आगे ये बना लिया हमने, अब इसको फ्राई कर लेंगे। देखो आप बिल्कुल सरल है ये। तो दोस्तों टिक्की हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से फ्राई किया जाता है, जो कि इसे 3 बार फ्राई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये सर जो हम लोग जो है जैसे टिक्की बना ली कच्ची जी, अब इसको इस प्रकार से हम रखकर ये फ्रायरों में, ये फ्रायरों में फ्राई कर रहे हैं। जब ये अभी कलर आ जाएगा इसमें सीख जाएगी, तो फिर इसको निकाल कर ट्रे में जमा लेंगे सर हम। क्या है कि हम जैसे लगती जाती है वैसे बनाते हैं सर, ठीक है, मतलब जैसे लगती खत्म हो जाएगी जी। तो अंकल कितनी टिक्कियां बना देते हैं आप पूरे दिन में यहाँ पर? अभी तो बहुत कम होती है भैया साहब, तो हो गई 600-700 टिक्की, 500 भी हो जाए, 600 भी हो जाए, 700 भी हो जाए, ऐसा। तो फिर वही अभी समय जो है सही नहीं है, सही बात। तो पहले हम जो है समझ लो कि 1000 टिक्की करीब बना देते थे, लेकिन अभी जरा थोड़ा समय। तो अंकल कौन सा ऑयल यूज करते हैं आप यहाँ पर? हम सनफ्लावर करते हैं। सनफ्लावर, हाँ, और उसको भी बदलना पड़ता है क्योंकि बीमारी का घर है, सही बात। तो ये चीजें ग्राहकों के लिए, क्योंकि ग्राहक हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम सालों महीने रोटी खाएंगे, वो कमाएंगे, सही बात। अगर कोई बीमार हो गया तो खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि उसका खाना बंद हो जाएगा, कहीं भी नहीं खा पाएगा। ये एक इच्छा हमारी बहुत जरूरी है, वो है हम चाहते हैं कि बॉर्डर पे जाए और सेना को खिलाए हमारा, क्योंकि सेना हमारी माँ है सर, हम उसके राज में, माँ के राज में समझ लो हम स्वतंत्र रहते हैं, खूब सोते हैं, खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, फिक्र होता है। माँ है वो हमारी, माँ दुर्गा है, माँ चंडी है, माँ लक्ष्मी है, तो हम भी जाके उसकी सेवा में खुश करें। तो दोस्तों अब मैं आपको प्लेट लगा कर बता रहा हूँ क्या अंकल, ये
ये हरी चटनी है, ये केचप है, ये प्याज रख दिया अपन ने, थोड़ा सा हल्का सा मसाला। काय का मसाला अंकल जी है? ये नमक है सर, नमक और थोड़ा सा मसाला मिला हुआ है, गरम मसाला। ये अपन क्या है, कोरोना के पहले इस प्रकार से परोसते थे जी, ये ऐसा। लेकिन अब जबकि कोरोना है तो थोड़ा सिस्टम बहुत बदलना पड़ा, हमको लिफाफे में देते हैं। कोरोना के पहले इस प्रकार से परोसते थे। आए आप